हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपने आई होप देख लिया होगा। तो ये सेकंड पार्ट, तो इससे आगे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रोहित शर्मा का स्केच है एंड इससे मैंने हाफ ड्रॉ कर लिया, हाफ फेस ड्रॉ हो चुका है, हाफ इसका पार्ट बचा है। तो स्टार्ट करते हैं नोज़ से। तो नोज़ के मैंने सबसे पहले HB पेंसिल से शेडिंग की एंड देन उस पर यूज़ किया 2B यहाँ पे डार्क एरियाज हैं एंड देन उसको ब्लेंड कर दिया कॉटन बर्ड से। एंड देन चीक ड्रॉ करने के लिए भी यहाँ पे HB पेंसिल से पहले शेडिंग की है। तो आपने ये ध्यान रखना कि स्किन के लिए जहाँ पे लाइट एरियाज होते हैं तो वहाँ पे आप HB से ही पहले शेडिंग करो। एंड शेडिंग करते टाइम बिल्कुल स्लोली शेडिंग करनी है। ये आप टाइम लैप्स में देख रहे हो, इसलिए आपको जो है वो फास्ट वीडियो की हुई है, बट शेडिंग मैंने बिल्कुल स्लोली किया है। अगर आप स्लोली शेडिंग करोगे तभी आप ब्लेंड भी अच्छे से कर पाओगे। देन लिप्स शो करने के लिए मैंने पहले HB से ही शेड किया है, देन 4B से जो डार्क एरियाज उन्हें शेड किया है। देन जो हाइलाइट्स हैं उसके लिए मोनोजीरो इरेजर एक्चुअली नहीं है मेरे पास, तो मैंने सिंपल जो नॉर्मल इरेजर है उसी से यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो आप नॉर्मल इरेजर से भी हाइलाइट्स कर सकते हो, ये नहीं कि आपके पास एक्सपेंसिव इरेजर होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक इरेजर होने चाहिए। तो टूल्स मैटर नहीं करते, आप सिंपल पेंसिल से भी बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको एक रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी नॉर्मल ब्रांड की 2-3 रुपये की पेंसिल से भी अच्छा ड्रॉ कर पाओगे। एंड मस्टेश एंड बिगर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने डार्केस्ट जो ग्रेड्स हैं उनका यूज़ किया है, जैसे कि 6B, 8B एंड 10B। और यहाँ पे मैंने आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ की हैं ये स्केच ड्रॉ करने के लिए पूरा, एंड और कोई ब्रांड की पेंसिल्स यूज़ नहीं की हैं। एंड देन अब क्लोथ का टेक्स्चर ड्रॉ करना है। तो क्लोथ का टेक्स्चर ड्रॉ करते टाइम अकॉर्डिंग टू मी जो डार्क एरियाज हैं उनको डार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हीं से जो हमारे जो क्लोथ है उसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक सा लुक आता है। तो डार्क एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कॉलर के नीचे डार्क एरिया है। तो इसको मैंने शेड किया है 10B पेंसिल से एंड देन ब्लेंड किया है पूरे क्लोथ का जो टेक्सचर है उसको टिश्यू पेपर की यूज़ से। एंड देन जो स्मॉल एरियाज है वहाँ पे आप कॉटन ब्रश को भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए। तो फाइनली स्केच कंप्लीट हो चुका है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्केच कैसा लगा एंड आप भी ड्रॉ करके देखना अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो। एंड एट दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ड्रॉइंग।